वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये लाल मिर्ची का अचार बनाने के लिए सिखाऊंगी। इसे मैं एक दिन पहले ही वॉश करके देखिए ये सुखा ली हूँ। अब मैं इसमें बीच से ऐसे फार करके नमक और हल्दी लगाकर धूप में सूखने डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम इसे दो भाग करके चाकू से फाड़ दिए हैं, काट लिए हैं और इसके अंदर में नमक और हल्दी लगाकर अच्छा से सुखा देंगे, नहीं तो इसमें फफूंदी लग जाती है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, इसके लिए मैं एक चम्मच बड़ी चम्मच नमक ली हूँ और दो चम्मच हल्दी ली हूँ और अब इसके अंदर में जैसे कि ये मिर्ची है, जैसे दो भाग किए हैं हम, तो इसके अंदर हम इस तरह से नमक हल्दी इस तरह से डाल के ये ऐसे लगा देंगे नमक और हल्दी, और फिर इसे हम धूप में एक दिन के लिए सूखने छोड़ देंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि नमक हल्दी लगाने के बाद ये पानी छूटता है, तो इसलिए मैं इसे धूप में डालूंगी तो ये पूरी तरह से सूख जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सारे में हल्दी और नमक मिक्स कर ली हूँ। तो मैं ये मिर्ची, आधा किलो मिर्ची है हमारा, जो आधा किलो मिर्ची में एक बड़ी टेबल स्पून साल्ट एंड टू टेबल स्पून मीडियम हल्दी टर्मेरिक पाउडर मिक्स करके मैं सारे इसके अंदर इसलिए डाल दी हूँ हल्दी और नमक, ताकि वो बाद में इसके छिलके भी अच्छे लगते हैं खाने में, ये अच्छी तरह से पक जाती है। अभी से मैं धूप में सूखने के लिए रख देती हूँ एक दिन के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं इसे धूप में रख दी हूँ सूखने के लिए। अब एक दिन सूख जाएगी, तब तक हम इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं 50 ग्राम ये सौंफ ले ली हूँ और ये येलो कलर का मस्टर्ड ले ली हूँ। आप ब्लैक भी ले सकते हैं, जो मैं ये 200 ग्राम ली हूँ। आधा किलो आधा किलो लाल मिर्ची में ये मैं 200 ग्राम मस्टर्ड ली हूँ और ये अजवाइन ली हूँ 4 चम्मच छोटी, ये छोटी चम्मच से 4 चम्मच ये अजवाइन ली हूँ और ये 2 चम्मच काली मिर्च ली हूँ और ये देखिए मेथी दाने हमारे पास नहीं है तो मैं इसकी मेथी के पाउडर बना ली हूँ। तो सारे सामग्री को मैं पहले भून लूंगी। तो शुरू करते हैं फ्रेंड। अब इसे मैं अच्छे से भून लेती हूँ सबको। ज्यादा नहीं भुनेंगे, इसके पानी जो रहता है ना वो सुखा देंगे सिर्फ सोंधा सोंधा करके, या फिर आप धूप में भी इसे सुखा के ले सकते हैं। मैं अभी इसे भून कर ले रही हूँ, थोड़ा सा गर्म करना है, मतलब जैसे थोड़ा हल्का भूनना है, इसके जो पानी थोड़ा थोड़ा रहता है इसमें उसके नमी निकाल देना है ऐसे। ये मेथी के पाउडर मैं 3 या 4 चम्मच ली हूँ, जिसे मैं पाउडर बना ली हूँ पहले ही। अब ये देखिए, अब ये थोड़ा थोड़ा जो मस्टर्ड था ये भुना गया है थोड़ा थोड़ा, तो अब हम गैस बंद करके इसे हम दरदरा पीस लेते हैं। जब तक मैं मसाले बना रही हूँ तब तक मैं ये 250 ग्राम में सरसों का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल मैं गरम करने डाल देती हूँ। मैं
इसे दरदरा पीस लेती हूँ। ये देखिए मैं मसाले दरदरा पीस ली हूँ और इसमें हम ये मेथी के पाउडर भी डाल देते हैं। आप पहले भी मेथी इसमें मिला सकते हैं, मेथी के दाने साथ में सबको भून करके और इस तरह से मिला लेंगे सबको। अब इसमें मैं 2 चम्मच हल्दी डालूंगी क्योंकि पहले भी डाली थी मैं जो मिर्ची में लगा करके सूखने डाली थी, तो 2 चम्मच डालेंगे। 2 चम्मच हम काला नमक डालेंगे ये चम्मच से, और ये 2 छोटी चम्मच ये नमक डालेंगे, व्हाइट साल्ट, आयोडीन साल्ट, और ये ब्लैक साल्ट डाले थे 2 चम्मच। अब सारे सामग्री को मिक्स कर लेते हैं। एक दिन इसको सुखा दिए हैं, ये अच्छे से सूख गया है, देखिए जरा सा भी पानी नहीं है इसमें। तो अब इसमें हम सारे मसाले ये भर लेंगे, सबको इसके अंदर ऐसे भर देंगे, इस तरह से पूरा भर देंगे अच्छे से। इस तरह से सारे मसाले भर लेंगे। ये एक मैं भरनी ले ली हूँ कांच की, जिसे मैं ये जो है अचार मैं ये खड़े करके डालूंगी इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से सारे अचार खड़ा करके डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी अचार बनके तैयार हो गया है। तो जो बाकी बच गया था मसाला वो भी मैं ऊपर से डाल दी हूँ, और वो तेल गरम करके जो डाली थी वो ऊपर से मैं डाल दी हूँ ताकि वो अंदर तक जाए, क्योंकि मैं सूखा मसाला डाली थी। आप चाहे तो तेल को मसाला में भी गूंद करके, मसाले में तेल डाल के और बाद में उसको भर सकते हैं अचार में, और मैं सूखा मसाला डाली हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं बाद में 250 ग्राम 100 ग्राम और तेल डाली हूँ। तो यहाँ तक तेल है, जहाँ तक अचार है वहाँ तक तेल डाल दी हूँ ताकि वो अच्छे से पके। अब इसे मैं 8 दिन तक धूप दिखाऊंगी ताकि वो साल भर तक भी रहेगा तो खराब नहीं होता है ये अचार। तो फ्रेंड्स, आपको ये मिर्ची का अचार का रेसिपी पसंद आया? ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये अचार के ऊपर तक तेल है और अभी इसे 8 दिन तक धूप में रखेंगे और अचार बनके तैयार हो गया। अचार की रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को बजाना ना भूलें फ्रेंड्स।